Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of 8th chapter of English Grammar subject of Standard 8. And the fourth part of 8th chapter is about the future tense. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में future tense के बारे में देखेंगे. अभी तक के part 1 और part 2 के वीडियो में क्या देखा था? Present tense के बारे में. Part 3 के वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में देखा था और इस वीडियो में अपने फ्यूचर टेंस के बारे में देखेंगे. ओके, तो शुरू करें. ओके, द फ्यूचर सिंपल और द फ्यूचर इंडेफिनिट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच इज टू टेक प्लेस एट सम फ्यूचर मोमेंट. यानी कि भविष्य में कभी भी कोई एक्टिविटी होने वाली है या प्लेस लेने वाली है तो उसे फ्यूचर टेंस बोलेंगे, फ्यूचर सिंपल बोलेंगे, है ना. वी शैल प्ले अ मैच ऑन संडे, शी विल रीच हियर इन द इवनिंग. बराबर, तो ये भविष्य की बात हो रही है कि भाई संडे में, संडे को हम मैच खेलेंगे, शाम को यहाँ पे आएगी. अभी नहीं आएगी, शाम को, तो फ्यूचर ही हो गया. द फ्यूचर प्रोग्रेसिव और द फ्यूचर कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच इज टू बिगिन बिफोर एंड फिनिश आफ्टर अ सर्टेन फ्यूचर मोमेंट. यानी कि भविष्य में ही अपने कोई एक्टिविटी करने वाले हैं और उसे भविष्य में ही कंप्लीट करने वाले हैं तो उसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोलेंगे. यानी कि भविष्य में कुछ एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए अपने कंटिन्यू करेंगे. द सन विल बी शाइनिंग व्हेन यू गेट अप. बराबर, सुबह जब आप उठोगे तब सूर्य की रोशनी आएगी तो वो कंटिन्यू रहेगी सुबह को, तो वो फ्यूचर की बात हो गई. वी शैल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम बैक, शी विल बी लिविंग इन लंदन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर. तो ये फ्यूचर में ही शुरू हो रहा है, फ्यूचर में कंटिन्यू रह रहा है और फ्यूचर में ही खत्म होगा तो इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोलेंगे. The future perfect is used to say that something will be completed before a particular time in the future. It is normally used with a time expression beginning with by. तो क्या कह रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट है, वो फ्यूचर में ही किसी टाइम पे कोई चीज खत्म होने वाली है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट बोलेंगे. और ज्यादातर उसे अपने बाय से लगाते हैं, बाय शब्द यूज करते हैं इसमें. बराबर, जैसे कि आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग, बाय आया ना तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया. शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर सनसेट, तो यहाँ पे बिफोर लगाया है पर इसका मतलब क्या है कि बाय द टाइम ऑफ सनसेट, है ना, ओमिट कर दिया है पर उसका मतलब तो यही हो रहा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया. तो अपने कितने देखे, तीन प्रकार के देखे फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर परफेक्ट. ओके, अब अपने उसकी रिलेटेड एक्सरसाइज देख लेते हैं. उसमें क्वेश्चन 1, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट. बराबर, आपको क्या करना है, नीचे आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए उसको या तो प्रेजेंट सिंपल यानी कि V1 प्लस S या ES के फॉर्म में लिखना है, प्रेजेंट में हो तो, पास्ट का हो तो V2 फॉर्म में, फ्यूचर का हो तो विल या शैल प्लस V1 लिखना है. सिंपल, तो इट रेन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात हो रही है तो पास्ट सिंपल हो गया तो रेन्ड आ जाएगा. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइट, प्रेजेंट टेंस. इट ऑफन रेन्स इन दिस मंथ, प्रेजेंट सिंपल. इट हैपन्ड इन द ईयर 2006, पास्ट सिंपल. आई डोंट लाइक चिल्ड्रन हु टेल लाइज, पास्ट सिंपल. वी शैल बी बैक बिफोर इट गेट्स डार्क, फ्यूचर सिंपल. आई शैल लीव फॉर दिल्ली आफ्टर द हॉलीडेज, फ्यूचर सिंपल. माय बर्थडे फॉल्स ऑन अ संडे दिस ईयर, तो क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल. I shall have my first driving license lesson tomorrow. My sister arrived late since it was raining. Before 1947, India was under the British rule. तो ये क्या हो गया, past simple. India will make great progress in the coming years. We have a sports day in our school every year. He came to see you, but you were not at home.
They were going to Mumbai and will stay there for a week. तो इस तरह करेक्ट टेंस फॉर्म लिखा है, कौन सा है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर? ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट कौन सी है? क्वेश्चन टू, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो वर्ब्स दिए उसको या तो फ्यूचर सिंपल यानी विल या शैल प्लस वी वन के रूप में लिखना है, या कंटिन्यू हो रही हो फ्यूचर में तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी कि विल बी प्लस वी वन आई एन जी के फॉर्म में लिखना है। जैसे द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट विल रेन, तो रेन हो सकती है, बराबर। अभी कंटिन्यू होगी कि नहीं वो नहीं पता है, तो फ्यूचर सिंपल आ गया। आई विल ओपन द डोर व्हेन द बेल रिंग्स, ऐसे लिखना है। दे विल बी लिविंग इन देयर न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। विल बी लिखा, वी वन आई एन जी लिविंग हो गया। When you come, I will be sitting in the school library. It is too late. They will be sleeping when we get there. Please come to my house. We will dine together. Don't come next week. I will be preparing for my exam. Phir, I will be doing my homework when you come to my house. I will pack my luggage after coming back from school. When I meet him tomorrow, I will give him your message. तो इस तरह ये एक्सरसाइज करनी है, ओके? तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है, क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री क्या है, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। तो ये आपको देखना है, तो ब्रैकेट में वर्ड है वो अगर प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में हो तो हैज या हैव प्लस वी थ्री लगाना है, पास्ट परफेक्ट हो तो हैड प्लस वी थ्री, फ्यूचर परफेक्ट हो तो विल या शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री लगाना है, ओके? तो वो तो आपको पता चल जाएगा, सिंपल है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ओके? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई brother. I will have finished my work by tomorrow evening. It will have become dark before she comes back. The bell has rung before I entered the class. The train has come. Try to find a seat for me. I will have read the whole book before you come back. After we had taken coffee, we went out for a walk. All the students have left the class. There is no one there. तो इस तरह ये एक्सरसाइज करनी है। तो इसके साथ अपने क्या खत्म होता है, अपने फ्यूचर टेंस भी खत्म होता है। तो अपने इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करेंगे। अभी नेक्स्ट जो आगे का है चैप्टर का बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इन एक्सरसाइजेस को आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा, ओके? वंदे मातरम।